मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। श्योपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बड़ौदा इलाके में लोग घरों में कैद हो गए हैं। इतना ही नहीं, दुकान से लेकर पुलिस थाने में भी पानी भर गया है। बता दें कि श्योपुर की अमराल नदी में भारी बारिश के बाद तूफान आ गया है, जिससे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है और इस मंदिर के संत केशवानंद और श्रद्धालु मंदिर में ही फंस गए, जिन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने ग्वालियर मुरैना समेत मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई को सभी जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। बता दें कि ग्वालियर में भी शुक्रवार रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 ट्रफ और 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। इनकी एक्टिविटी के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जुलाई को फिर से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, फिर 8 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।